आमना साहब कैसे इस्तकबाल किया जाएगा लाहौर में इनके जलसे का? और अब जारी बात है, हुकूमत के अपने इख्तियार होते हैं, किसी किस्म की अगर बदमजगी हो जाती है, कोई मामला खराबी की तरफ जाता है, तो फिर हुकूमत पे जिम्मेदारी आती है ना कि हुकूमत ने कैसे रोकना है। किरण, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं अहमद खान भट्टर साहब को थोड़ा सा, इन्होंने जो बात की उसका जवाब देना चाहूँगी। मेरे से सीनियर पॉलिटिशियन है एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन फैक्चुअली जो बात है, इन्होंने कहा कि जी एनओसी की पासदारी नहीं की गई, तो एनओसी की पासदारी सॉरी टू से इनकी पार्टी ने नहीं की, क्योंकि जब 7 PM का टाइम था, अगर इनको उस टाइम से कोई इशू था, आज ये कहते जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ऐसा था वैसा था, अगर इनको उस टाइमिंग से इशू था तो ये उसी वक्त उस चीज को चैलेंज करते, वैसे तो बात नहीं होती, ये उठ के कोर्ट पहुंच जाते। उस वक्त इन्होंने एग्री किया उन टर्म्स पे ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं दी गई, एनओसी दिया गया, दे एग्रीड, दे सेड जी वी विल कंप्लाई टू दिस। उसके बाद इन्होंने जो कुछ किया जलसे में, और सिर्फ बात ये नहीं है कि पथराव हुआ और SP साहब जख्मी हुए, जो जबान बोली, अब इशू ये है कि लोग कहते हैं जी जलसा नहीं, हमने इनका बैकग्राउंड भी तो देखना है ना, जलसे की बात नहीं है क्या, PMLN के पिछले अदवार में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने जलसे नहीं किए? बिल्कुल किए हैं, 150 दिन तो ये धरना देके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बैठे रहे हैं, उस वक्त भी तो PMLN की गवर्नमेंट थी ना। इशू गवर्नमेंट का नहीं है, इशू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से, फ्रीडम ऑफ असेंबली से नहीं है इशू इनकी, जिस हद तक ये लोग गिर चुके हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज को ये रिजॉर्ट कर चुके हैं, जिस तरह मुल्क को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उससे इशू है। और गवर्नमेंट का चले देखें, एज पाकिस्तानी, एज पॉलिटिकल पार्टी, एज लीडरशिप, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है PMLN इस वक्त गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट की और किसी से भी बढ़कर जिम्मेदारी है पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की कौमी तंसीबात का दिफा। हम इनको इजाजत दे दें ये फिर आके सारा मुल्क जला के चले जाए तो हम क्या करेंगे? गलती किसकी होगी? गलती हमारी होगी ना। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, व्हाट ऑप्शन डू वी हैव? सो अगर आप मेरे, यानी आमना शेख साहिबा, आपकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप लोग इजाजत नहीं दे रहे? मैं यही कहने लगी हूँ, देखिए दिस इज गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगी, मेरी जाती हैसियत में इजाजत नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है। तो फिर आपकी पार्टी में जो फैसला करने का इख्तियार है जिनके पास, तो इसका मतलब है कि उनकी भी आपकी जाती राय से वो मुत्तफिक हो सकते हैं, ये इम्कानात हैं? देखिए उसमें उसमें बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियंस आज भी हैं, बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियंस है, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज ग्रेटर गुड ऑफ, जो चीज ग्रेटर गुड, ज्यादातर लोगों का ओपिनियन आपके ओपिनियन से मिलता है, मतलब मोर देन 50%। ऑब्वियसली इस तरह नहीं कह सकते, अभी इन चीजों पे मशावरत होगी, और मैंने ये कहा इट्स गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, हालात और वाकया, जैसे पहले 22 वाला हमने करके चेंज करके इनको 8 की दी, सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट, लेकिन इनकी हिस्ट्री ऐसी है ना, इन्होंने तो मुल्क को जलाने गिराने के सवा किया क्या है आज तक? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।